अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फरीन। आज हम बनाएंगे ड्रैगन चिकन, जिसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली, उसको स्ट्रिप्स में कट कर दी हूँ। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। पहले सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और 2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, और 2 टीस्पून वुस्टर सॉस। अगर वुस्टर सॉस नहीं है तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और एक मैदा मैंने बीट करके रख दी हूँ, ये भी ऐड कर देंगे। पहले इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मैंने ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसको हम 15 to 30 मिनट्स के लिए, जैसा टाइम की आपके पास कंफर्टेबिलिटी हो उसके हिसाब से 15 मिनट मिनिमम रखना, 15 to 30 मिनट्स के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अभी इसको मैरिनेट करके 15 मिनट्स हो गए। अब हम इसमें अभी हमें इसे फ्राई करना है, तो फ्राई करने से पहले हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और 3 टेबलस्पून मैदा है। जब फ्राई करने के लिए निकालेंगे तभी ही ये ऐड करना है, मैरिनेशन करने के टाइम पे ऐड करके नहीं रखना है। अभी इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स की हूँ। अभी इसमें मैं एक एग बीट करके डाल रही हूँ। ये प्रोसीजर तलने से पहले का है, मैदा कॉर्नफ्लावर और एक एग और ऐड करना चाहिए। देखिए मैंने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। और जब चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने लिया था, तो चिकन का पानी अच्छे से ड्रेन करके लेना है, अदरवाइज चिकन में पानी अलग छूटेगा, मैदा अलग हो जाएगा। तो चिकन अच्छे से ड्रेन होना चाहिए और फिर उसमें ये सारा मैरिनेशन करना है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जब पूरा गर्म हो जाए फिर इसके फ्लेम को स्लो करके उसे मीडियम गर्मास तक आने देना है, एकदम हॉट ऑयल में नहीं डालना है, और 3 to 4 मिनट्स के लिए ही फ्राई करने की जरूरत है इसे। फ्लेम को पहले हाई रखेंगे। देखिए ये हल्का सा गोल्डन कलर का हो गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। अभी हमने तेल ले लिए है जिसमें हमने चिकन फ्राई किए थे, वो तेल ले लिया। अब हम इसका सॉस बना रहे हैं ड्रैगन चिकन का। तो हमने जो जिसमें चिकन फ्राई करे थे वो 4 टेबलस्पून या अप्रोक्सीमेटली आपको जितना लेना है, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये कैप्सिकम, दो मीडियम कैप्सिकम के मैंने इसे स्ट्रिप्स कट कर ली हूँ, ये अंदर डाल दिया। फ्यू सेकेंड के लिए फ्राई करके फिर इसमें काजू डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने टुकड़ी काजू ले ली हूँ, ये डाल देंगे। इसके अंदर मैंने ये है देवकी मिर्ची, जो ज्यादा तेज नहीं होती है, ये मैंने 2 लेके इसे कट कर दी हूँ 4 पीस में। फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू फास्ट रखेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद, ज्यादा कोई भी चीज को फ्राई नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए फ्राई करो और चीजें ऐड करते जाओ। ये 4 टेबलस्पून गार्लिक चॉप है, ये डाले। हाफ मिनट फ्राई किए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हर चीज़ बराबर से फ्राई हो जाएंगी ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके। ये मैंने ली 1.5 टेबलस्पून जिंजर चॉप्ड, ये मैंने ग्रीन चिली चॉप करके ली हूँ, 2 ग्रीन चिली है, तीखा के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसके अंदर एक छोटी सी ऑनियन चॉप करके डाल देंगे। और ये मैंने जो स्प्रिंग अनियन का वाइट ऑनियन जो बल्ब होते हैं, वाइट बल्ब, इसको मैंने 1/2 कर दी हूँ, ये भी हम डाल देंगे पूरे। इसे फ्राई करें 1 मिनट के लिए, फिर इसके अंदर 1 मेजरिंग कप टमाटो केचप डालेंगे। तो फ्राई करें स्टिर करते हुए 1/2 मिनट के लिए,
फिर इसके अंदर चिकन स्टॉक डाल देंगे। वन कप मेजरिंग वन कप चिकन स्टॉक डाली हूँ मैंने। फ्लेम हाई रखना है, चाइनीज कभी भी कुक करते होते हैं और इस सब सॉसेस को हम जब तक भूनते हैं तो फ्लेम को हाई रखना चाहिए। जैसे ही इसमें बॉइल्ड आएगा तो ये रेड चिली का कश्मीरी रेड मिर्ची है उसका मैंने पेस्ट बनाई थी, ये मैंने 3 टेबलस्पून ली हूँ और इसके साथ 3 टेबलस्पून चिली सॉस। अगर तीखा कम खाते हैं तो इसमें से कम कर सकते हैं आप। इसको डाल के भी स्टिर करेंगे हम। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। व्हाइट पेपर पाउडर मैं डाल रही हूँ हाफ टीस्पून। अगर तीखा और खा सकते हैं तो यू कैन पुट 1 टीस्पून। और ये ऑरेंज रेड कलर है ये भी थोड़ा सी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। स्टिर करेंगे इसे, बहुत नहीं पकाना है। हर वक्त पे जब भी कोई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे सिर्फ हाफ अ मिनट के लिए ही स्टिर करेंगे और दूसरा ऐड करते जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी चॉप ग्राइंडर डालेंगे, लगभग ये 1.5 टेबलस्पून जितनी है। और ये जो स्प्रिंग अनियन की लीव्स होती है ये सारी नहीं डालेंगे, जो हमने पूरी एक बंच की लीव्स थी वो थोड़ी लास्ट के डेकोरेशन के लिए रखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं। इसे स्टिर करेंगे। इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और मैंने 2 टीस्पून सेलरी ली हूँ, उसके लीव्स है, उसको ड्राई करके रखा हुआ है तो इसके लिए ऐसे दिख रहा है। यू कैन टेक फ्रेश लीव्स ऑल्सो। 2 टीस्पून सेलरी लीव्स। अब ये मैंने चिकन स्टॉक ली हूँ, हाफ कप चिकन स्टॉक में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली हूँ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही इसमें बॉइल्ड आ जाएगा हमने जो चिकन फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अभी बॉइल्ड आ गया है, अब हम ये फ्राई चिकन पूरी ऐड कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से एक मिनट के लिए ही खाली स्टिर फ्राई करेंगे, इसके सॉस के अंदर कुक करेंगे सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। हाई फ्लेम पे करना है हमें। ड्रैगन चिकन इज रेडी टू सर्व।